इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यूनिक 2 का रेडमी 4A के साथ, जो कि दोनों सेम प्राइस के हैं। यूनिक 2 अभी लॉन्च हुआ है यू की तरफ से, जो कि माइक्रोमैक्स की एक सब ब्रांड है यू, उसका फोन लॉन्च हुआ है यूनिक 2। पहले भी हुआ था एक यूनिक, उसका नया वेरिएंट है ये। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे दोनों का, रेडमी 4A के साथ दोनों में कंपैरिजन होगा, साथ में अपना ओपिनियन भी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसा टेक्निकल एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन की। सो यूनिक 2 में आपको मिला मेटल बैक कवर जो कि रिमूव होता है, बैटरी भी रिमूव होती है इसकी। साथ में आपको अच्छा डिजाइन है, मेटल बॉडी के साथ डिजाइन रहेगा। और अब बात करें रेडमी 4A का, तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है जो कि बैक कवर रिमूव नहीं होता, बैटरी रिमूव नहीं होती। हाइब्रिड सिस्टम वाला है इसमें, हाइब्रिड सिम ट्रे है इसमें, सिम ट्रे नहीं है, बैक कवर रिमूव होता है। अलग से सिम स्लॉट मिलेगा, अलग से मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेगा। अब बात करते हैं इनके डिस्प्ले की, तो दोनों में ही आपको 5 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी, इसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर्स की, तो इसमें मिले आपको मीडियाटेक का MT6737 जो कि क्वाडकोर प्रोसेसर है, क्लॉक किया गया है 1.3 GHz पर। इसमें मिले आपको स्नैपड्रैगन का 425 जो कि क्वाडकोर प्रोसेसर है, क्लॉक किया गया 1.4 GHz पर। अगर मैं बेटर बात करूं कौन सा बेटर है, तो ऑफकोर्स स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 काफी बेटर है मीडियाटेक MT6737 से। सो रेडमी 4A काफी बेटर है परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी रेडमी 4A में। मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, रेडमी 4A काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब बात करते हैं इनके मेमोरी की, तो दोनों में आपको 2 GB की रैम देखने को मिलेगी और दोनों में ही आपको 16 GB की इंटरनल देखने को मिलेगी। यूनिक 2 को आप एक्सपेंड कर सकते हैं 64 GB तक, अलग से स्लॉट दिया हुआ है। इसे आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, बट हाइब्रिड है, या 2 SIM चला पाएंगे या 1 SIM कार्ड एक मेमोरी कार्ड चला पाएंगे। कैमरास की बात करें तो दोनों में आपको रियल में 13 MP का कैमरा मिलेगा, f2.0 aperture इसका कैमरा है, f2.2 aperture इसका कैमरा है। दोनों में आपको ऑटो फोकस मिलेगा, कैमरा विद LED फ्लैश, इसमें सिंगल मिलेगी, इसमें डुअल LED फ्लैश मिलेगी। फ्रंट में आपको दोनों ही 5 MP का कैमरा मिलेगा f2.2 aperture के साथ। सो कैमरा वाइज दोनों बराबर लग रहे हैं देखने में, सो कैमरा वाइज परफॉर्मेंस लगभग सेम रहने वाली है दोनों की। अब बात करें इनके बैटरीज की, तो इसमें मिलेगा आपको 2500 mAh की बैटरी, इसमें मिलेगी 3120 mAh की बैटरी। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी बैटरी थोड़ी सी बड़ी है, और परफॉर्मेंस अगर प्रोसेसर देखा जाए, सो ओवरऑल देखा जाए अभी तक जो स्पेसिफिकेशन है, तो बेटर मुझे लगता है रेडमी 4A है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो दोनों में सेम है, 2G 3G 4G सभी OTG की सपोर्ट दोनों करते हैं, माइक्रो यूएसबी 3.5 जैक सभी दोनों में दोनों मिल जाएंगे। सेंसर्स की बात करें तो इसमें सेंसर है सिर्फ 3, प्रॉक्सिमिटी, लाइट और एक्सेलेरोमीटर। सो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, इसमें आपको मिलेंगे प्रॉक्सिमिटी लाइट, एम्बिएंट लाइट, इंफ्रारेड सेंसर, जायरोस्कोप, ई कंपास, होल सेंसर, सभी सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेंसर वाइज आप VR यूज करना चाहते हैं, नेविगेशन बेटर चाहते हैं, तो Redmi 4A बेटर है। अब बात करते हैं कलर ऑप्शंस की, तो इसमें मिलेगा शैम्पेन गोल्ड और कोल ब्लैक, इसमें आपको मिला गोल्ड, डार्क ग्रे और कभी कभी रोज गोल्ड भी मिलता है। इसमें आपको एंड्रॉयड नुगेट का सपोर्ट मिलेगा जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है। इसमें आपको मिला एंड्रॉयड मार्शमेलो क्योंकि ओल्ड वर्जन है, MIUI 8 की सपोर्ट करता है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, दोनों ही 6,000 के फोन है। ये कभी कभी मतलब वीकली एक बार आता है अमेजोन पर और MI.com पर, ये आपको इजीली मिल जाएगा 599 का फ्लिपकार्ट पर। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक से जाकर ले सकते हैं, हमें सपोर्ट मिलेगी। बस यही था छोटा स्पेसिफिकेशन वाइज कंपेरिजन। अब मैं ओपिनियन की बात करूं तो इसमें मिलेगा आपको मेटल बॉडी डिजाइन, प्रीमियम डिजाइन है जो कि आजकल चल रहा है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रोटेक्टिव है फोन ये, और अलग से स्लॉट भी है इसमें मेमोरी कार्ड का, तो ये प्लस पॉइंट है इसका। इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो इसमें मिले आपको स्नैपड्रैगन 425 जो कि काफी ही परफॉर्मेंस अच्छी देने वाला है। सो परफॉर्मेंस वाइज अगर गेमर है आप अच्छे, तो आपके लिए बेटर रेडमी 4A प्लस। साथ में आपको मिलेगा 3120 mAh की बैटरी जो कि बैटरी बेटर है, तो बैकअप थोड़ा सा ज्यादा इससे देने वाली है। और इसमें आपको सभी सेंसर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इंफ्रारेड सेंसर भी है, जायरोस्कोप भी है,
सो वीआर सपोर्ट करता है, टीवी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए कुछ चीजें दोनों में अच्छी है, इसमें अच्छी है, कुछ इसमें अच्छा है। बट अगर आपको चाहिए बढ़िया परफॉर्मेंस और साथ में चाहिए बेटर बैटरी बैकअप और वीआर की सपोर्ट, तो आप रेडमी 4A ले सकते हैं। और आपको चाहिए प्रीमियम डिजाइन मेटल बैक कवर के साथ, साथ में बैटरी रिमूव होनी चाहिए और कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और अलग से सिम कार्ड का स्लॉट, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही 5999 के हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा Redmi 4A, क्योंकि मैं तो यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, और Redmi काफी अच्छा ब्रांड है, Xiaomi एक बहुत बढ़िया ब्रांड है एज कम्पेयर टू माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, बट इम्पोर्ट ये चाइना से करते हैं, प्रोडक्ट्स असेंबल यहाँ करते हैं और मेड इन इंडिया लगा देते हैं। इसमें भी मेड इन इंडिया है, ये भी मेड इन इंडिया, क्योंकि ये भी सेम थिंग करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज मैं ज्यादा बेटर करता हूँ, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस सही है, फोन में गेमिंग अच्छी करना चाहता हूँ, तो मैं Redmi 4A रिकमेंड करना चाहूंगा आपको भी, क्योंकि मैं यूज भी कर रहा हूँ इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।